प्लस टू उच्च विद्यालय गांडे में निर्माणाधीन बिल्डिंग में संवेदक द्वारा भारी अनियमितता बरते जाने की शिकायत विधायक कल्पना सोरेन से की गई। विधायक प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग किया गया है। समिति के अध्यक्ष गुड़िया देवी ने आवेदन में कहा है कि संवेदक द्वारा बिल्डिंग का निर्माण अपने मनमर्जी तरीके से जैसे तैसे करा रहा है। एसएमसी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि को बिल्डिंग निर्माण कार्य संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दिया गया है और न ही कार्य संबंधित युक्त स्थल पर कहीं शिलापट लगाया गया है। आगे कहा है कि कार्य एस्टिमेट के अनुसार नहीं हो रहा है। एस्टिमेट मांगने पर 2018 का एस्टिमेट दे दिया जाता है। बिल्डिंग निर्माण कार्य में ना ही मानक के आधार के मुताबिक छड़ व ईंट लगाया जा रहा है और ना ही मानक के आधार पर बिल्डिंग निर्माण कार्य की नींव का गड्ढा किया गया है। आवेदन में आगे कहा गया है कि इस संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों को भी आवेदन देकर मामले से अवगत कराया जा चुका है, पर अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए गांडे विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को आवेदन देकर नियमानुसार कार्रवाई करने को लेकर अपील किया गया है।